शेफाली के कुछ फ्रेंड्स उसके लिए एक वीडियो वीडियो डांस परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। आप देख रहे हो इनकी एनर्जी, रात को 4 बजे सोए हैं फिर भी इनकी एनर्जी। यार तुम लोग खाते क्या हो यार? खाते वेजिटेरियन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और गाइज मैं बता रहा हूँ, रात को ना 2 बज गए थे, इतना थक गए थे, पर यार मजा बहुत आया पार्टी करने में, है ना? बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मजा आया। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट खत्म होने वाला है। और साथ ही ने तो ब्रश भी नहीं किया, कह रही मैं तो पहले खाऊं फिर आगे कर लूंगी। अरे ये तो बेसिक्स है ना कि खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। ये क्या बात है, ये तो रात रात को करने होते हैं ये चीज। नहीं, नहीं पता ऐसे होता है क्या? मैं तो इतने साल से खाने से पहले कर रहा हूं। अरे सिखाया तो हम सबको ही गया है। अच्छा, पर आपके बेसिक्स अलग है। मेरे नहीं। अच्छा आप साइंस टीम की हो गया, कॉमर्स का है क्या? दोस्ती खत्म। और ये देखो दियारा भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग दियारा। गुड मॉर्निंग साहिबा। साहिबा अगर मैं स्वाति दी को ऐसे धक्का दे दूं, अगर मैं तुझे ऐसे धक्का दे दूं तो मैं तेरे को दे दूं। पागल है क्या तू? ही उस साइड है। और ये देखो श्रेया भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग। आए मेरा बाप, कितना मिट्टू मिट्टू सा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। सो गाइस ये आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैं पोहा ब्रेड और चाय खा रहा हूँ, मतलब चाय पी रहा हूँ और ये दोनों चीजें खा रहा हूँ। यहाँ देखो, ओहो यहाँ तो पूरी इंडिया की प्लेट है भाई, साउथ इंडियन और ये नॉर्थ इंडियन। यही रात है आपके 4 बजे तक उठे रहने का? यस। और डियारा क्या खाएगी? क्यों नहीं खाऊंगी। सो ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं टेबल टेनिस खेलने फिर से। कल सर आपने कितनी देर खेला था? कल तो 2 घंटे खेले हुए एटलीस्ट। 2 घंटे ना, 2 घंटे खेला था। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, सर ने ना मुझे पढ़ाया हुआ है 12th क्लास में और सर का एक्सपीरियंस ना बहुत सही रहा है मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शरारती हुआ करता था ये। और अभी भी स्टिल ही इज स्टिल। अभी तक वैसा के वैसा कुछ चेंज नहीं आया इसके 10-12 साल के अंदर। मतलब सर बोलते थे मेरे को समझ नहीं आता मैं इसको पढ़ाऊं कैसे। कौन सी टेक्निक निकालूं जो कि इसको कुछ समझ में आए। चलो बढ़िया, चलो चलते हैं। अभी तो खैर वहाँ पे शायद लोग खेल रहे हैं, बट कोई नहीं हम भी खेलेंगे। भाई तब मजा आ रहा ना खेलने में, कम से कम नहीं तो मैं 7-8 साल बाद खेल रहा हूँ टीटी। बहुत ही फन है, सारा जो खाया ना सब हजम करके जाएंगे, सारा का सारा। चलो सर। देखो इन्होंने बेचारे अपने पति को बोला कि हट जाओ मैं खेलूंगी, बेचारे को बीच का गेम, बीच में गेम खराब कर दिया इन्होंने। क्यों करती है आप बीवी ऐसा क्यों करती हो मुझे बताओ? चुप रे। और ये देखो दियारा रेडी हो गई है। दियारा मामू और दियारा दोनों ने सनग्लासेस। कहाँ जा रही है दियारा अभी? कहाँ पे जा रहे? झूले पे जा रही हूँ। झूले पे जा रही हो? नहीं झूला बहुत गंदा होता है। फिर झूले पे नहीं झूलोगे? नहीं नहीं। क्यों? झूला बहुत गंदा होता ना। अच्छा अच्छा, फिर वो गंदा हो जाता है। चलो चलो सही है। क्या कह रहे थे आप, क्या करना है? मुझे बॉल चाहिए थी, वो लुक करके सही जाएगी। कैसे करके जाएगी? झुक करके। ये लो, अब एक मिनट रुको, अभी रुको, मामू आ रहे उधर से। कैसे कह रहे हो आप, कैसे चली जाएगी? झुक करके से वो नीचे आता है। करो जरा, कैसे कह रहे हो करके दिखाओ जरा। ओए अरे वाह। सो गाइस बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, मतलब 2 घंटे से टीटी खेल रहे थे, मज़ा ही आ गया। सो अभी कैसा है, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा सा तैयार होने चलते हैं। सो अभी हल्दी का फंक्शन है तो उसी तरीके से फिर तैयार होते हैं, और बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है तो चलो चलते हैं। अभी जीजू लोग तो खेल ही रहे हैं, वो भी शायद आने ही वाले हैं, चलो चलते हैं। सो रूम में जा रहा था और यहाँ पे बास्केटबॉल दिख गया, तो चलो ये भी थोड़ा खेल लेते हैं। एंड मीट रूपल। और रूपल का इंस्टाग्राम पेज है, बहुत ही अच्छा।
फॉलो मी एट ऑन इंस्टाग्राम एट drupal.goel. मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना. सो तो चलो थोड़ा सा बास्केटबॉल भी खेल ही लेते हैं, अब जब इतना थक गए हैं थोड़ा और थक जाते हैं. गाइस कमेंट में बताना किस किस को टीटी और किस किस को बास्केटबॉल पसंद है. मुझे तो टेबल टेनिस ज़्यादा पसंद है. या कल तो यही खेल रहे हम 3-4 घंटे से. वाओ दैट्स अ गोल. फाइनली लोना सर आओ आ जाओ. एक और शॉट ट्राई करता हूं. ही इज अ क्विक लर्नर. ये अमेजिंग. वाओ ग्रेट. सही है भाई. आज तो मेरे को लग रहा है कि ना जिम अगर नहीं जा रहा हूं तो भाई यहीं से मैंने अपना पूरा कोटा कर लिया है. बहुत ही सही मज़ा आया. आप देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हो गया. ठंड तो लग ही नहीं रही है. तो चलो अब रेडी होते हैं फंक्शन के लिए. यार मैं अभी रूम में तैयार होने आया और ये देखो कैसी जिद कर रहे हैं मेरे से. यार यार शुरू कर देना प्लीज. यार कर देना, तू भी तो भाई जैसे है उसके. यार एक तो मैं गाइस एक तो मेरे को बुलाया नहीं है, ऊपर से मुझसे कह रहे कि ना तेरी एंट्री कर डांस में ऐसे भुर्रा करते हुए. ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये डांस करा के रहेंगे. तो हो सकता है आपको मेरा डांस देखने को मिले. सो गाइज रेडी हो चुके हैं हल्दी के फंक्शन के लिए. मतलब बिल्कुल ही देख रहे हो आप, बिल्कुल हल्दी एप्ट लग रहे हैं ना. सो हम लोगों ने सबने येलो डाल दिया है क्योंकि हल्दी का फंक्शन है तो येलो तो बनता ही है. तो अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ. बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी है और यार इन्होंने जैसे तैसे मना लिया. पता नहीं मैं डांस करता हूँ बट तू अच्छा करेगा. अच्छा करेगा. तो चलो चलते हैं वहाँ पे. सो ब्राइड एंड ग्रूम फॉर यू गाइस. बहुत ही अच्छे लग रहे हो. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. पापा ऊपर क्या कर रहे हैं? पापा ये देखो दीदी अनाउंसमेंट करने जा रही हैं. चलो दीदी. हेलो एवरीवन. शिफाली के कुछ फ्रेंड्स उसके लिए एक वीडियो डांस परफॉर्मेंस देना चाहते हैं. सो प्लीज बी देयर ऑन द स्टेज. थैंक यू. किसी ने सुना ही नहीं दीदी, दोबारा बोलो. आई होप आपको अच्छा लगा हो हमारा परफॉर्मेंस. और यार ये जगह देखो यार, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. हर तरफ ग्रीनरी एंड सनराइज, मतलब सन वगैरह इतना सही यहाँ पे आ रहा है ना. और ये दिवांग भाई अपने रामपुर. हेलो क्या हाल है दोस्तों. हाँ रामपुर में बहुत लोग. कौन से ब्लॉक को? कौन से? शिवम. शाह से शिवम. और बहुत लोग जानते होंगे दिवांग भाई को रामपुर में. तो चलो अभी थोड़ा सा फंक्शन निपट गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड फिर रात के फंक्शन की तैयारी करेंगे. सो गाइज मैं तो सो गया था और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना. अब देखो डियारा तो अभी तक सो रही है तो थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी. सो अभी उठते हैं और अभी जीजू और सर पता नहीं क्या कुछ खा पी के आ गए हैं. सो गाइज चलते हैं, अभी रेडी होते हैं और क्योंकि अभी बारात चढ़ने वाली है. सो गाइज आपका भाई रेडी हो चुका है शादी के लिए और बारात भी आ गई है. आप मेरे देख सकते हो आवाज़ आई रही होगी आपको. तो अभी चल रहे हैं दुल्हन के कमरे में जा रहे हैं ना. दीदी की फ्रेंड है तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं भी चलता हूँ. और ये देखो डियारा और दीदी भी तैयार हो गए हैं दोनों. कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं. और भाई कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई.
यार देखो दीदी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार, दीदी बहुत अच्छे लग रहे हो यार, ऊपर तो देख लो जरा, थोड़ी वो नजाकत दिखाना वाली। सो गाइज आ गए हैं हम लोग इधर पार्टी में और खूब गाने वाने चल रहे हैं। क्या खाने में क्या क्या अच्छा है? सब कुछ, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि बना लूँ क्या अपना मन थोड़ा सा हिया हुआ कर लूँ क्या। तो अभी सारे मस्त डांस कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो सब डांस चल रहा है, उधर फोटो शूट वगैरह चल रहा है। सो गाइज पार्टी तो अभी तक चल रही है, आप आवाज़ सुन सकते हो गाने वगैरह की। मैं तो वापस आ रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है और मेरे को तो नींद आ रही है, तो मैं तो सोने जा रहा हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा।